होते हैं मनी के. अंडरस्टैंड. नाउ 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपीज में कितने पैसे हो गए? 100 पैसे. जो 1 रुपी का कॉइन आप लेते हो उस 1 रुपी में पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं. अंडरस्टैंड. रुपी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, ये हमारा सिंबल है रुपी का एंड दिस इज द सिंबल ऑफ पैसे. पैसे का सिंबल क्या है? ये. अंडरस्टैंड. नाउ 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे. अगर हमको रुपी को पैसे में चेंज करना हो, इफ वी वांट टू चेंज रुपी इन पैसे, तो क्या करेंगे हम? अगर 1 रुपीज में 100 पैसे हैं तो 12 रुपीज 50 पैसे में कितने होंगे? कितने होंगे? नो सॉरी, अभी हम रुपीज पे कन्वर्जन पे आएंगे कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं रुपीज को. अभी अगर मान लीजिए 1 रुपीज 1 रुपी में 100 पैसे हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको 12 रुपीज 50 पैसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आपको डॉट्स में लिखना है. ठीक है, जैसे 12 रुपीज 50 पैसे तो लिख दिया, लेकिन अगर आपको उसको डॉट्स में लिखना हो तो क्या करेंगे आप? सिंपली यहाँ से एंड हटाएंगे, पैसे हटाएंगे, रुपीज हटाएंगे. अंडरस्टैंड. और क्या लिख देंगे? 12.50. पैसे एंड रुपीज को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पर डॉट से उसको चेंज कर देंगे. अंडरस्टैंड. सो ये हो गया हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हेनेवर वी हैव टू सेपरेट रुपीज एंड पैसे विद अ डॉट. ठीक है, जब भी हमको रुपीज और पैसे को डॉट से सेपरेट करना होता है तो हमें क्या करना होता है? रुपीज और पैसे जो होते हैं उसे हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, उसे हम हटा देते हैं और उसके बाद 12.50 मीन्स हम डॉट को लगा देते हैं. ठीक है, तो रुपीज और पैसे जब भी आपको हटाना हो, ठीक है, जब भी आपको सेपरेट करना हो तो आप यहाँ पे सिंपली डॉट लिख सकते हो, लाइक 12.50. अंडरस्टैंड. नाउ अब हम देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मनी को रुपीज में या पैसे को रुपीज में, सॉरी रुपीज को पैसे में या पैसे को रुपीज में. दो ही फॉर्म में अभी हम आपको पढ़ना है कि आप कैसे मनी को कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले आपको रुपीज से पैसे में कन्वर्जन आनी चाहिए कि अगर आपके पास रुपीज हैं तो आप उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करोगे. ठीक है, सो अभी मैंने बताया कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं. अंडरस्टैंड. 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो अगर 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं तो आपको अगर 2 रुपीज दे दी जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 रुपीज में अगर 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपीज में कितने होंगे. ठीक है, 2 रुपीज में कितने होंगे? तो 2 रुपीज में क्या करेंगे हम? सिंपली सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 1 कॉइन दे दिया जाए आपको और बोला जाए कि इस 1 कॉइन में आपके पास 100 पैसे हो गए, तो 2 कॉइन्स में कितने हो जाएंगे? 1 कॉइन में अगर 100 पैसे हैं तो 2 कॉइन्स में 100 को डबल कर दो, क्योंकि आपने 1 को डबल किया तो आपको 100 को भी डबल करना होगा. अंडरस्टैंड. तो 1 कॉइन में अगर 100 पैसे हैं तो 2 कॉइन्स में क्या होंगे? 200 हो जाएंगे. 100 का डबल करोगे तो 200 हो जाएंगे. 3 कॉइन्स में कितने आएंगे? फिर 100 कर दो एड उसमें तो 300 हो जाएंगे. 4 कॉइन्स में कितने आएंगे? 4 रुपीज में कितने आएंगे? 400 हो जाएंगे. 5 रुपीज में 500 हो जाएंगे. मीन्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, देन 2 रुपीज इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 200 पैसे. अगर 3 रुपीज में पूछेगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 300 पैसे. जितनी भी रुपीज में आपको पूछेगा आप उसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. अंडरस्टैंड. मैंने यहाँ पे पैसे का फॉर्मूला नहीं लिखा. अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, मैं नाम देती हूँ, अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी दिया हुआ है, लाइक रुपीज में दिया हुआ है, नो पैसे में दिया हुआ है, पैसे से आप रुपीज में कैसे कन्वर्ट करोगे? अभी तो आप रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना सीख रहे थे, लेकिन अब पैसे से रुपीज में कैसे कन्वर्ट करना सीखोगे? लाइक अगर आपको दिया हुआ है 420 पैसे, इसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, इसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है. जब आपको रुपीज में कन्वर्ट करना होता है तो आप एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा,
राइट साइड से टू डिजिट आपको आगे आना है और डॉट लगा देना है, तो वही आपका नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। तो ये 420 पैसे दिया हुआ है। अब आपको राइट साइड से टू डिजिट आना है, दिस इज राइट साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड से हम टू डिजिट आएंगे 12, यानी कि यहाँ इसका मतलब है कि हमारा रुपीज का क्या आ जाएगा, 4.20। समझ में आया? एक बार और बताती हूँ, अगर आपको कोई पैसे दिए हुए हैं जिसे आपको रुपीस में चेंज करने हैं, तो आप टू डिजिट राइट से आएंगे और वहां पे डॉट लगा देंगे, लाइक 725। ये है, ये आपको पैसे में दिया हुआ है, आपको इसको रुपीस में चेंज करना है, तो यहां से टू डिजिट आएंगे आप, पहले रुपीस का साइन लगाएंगे और उसके बाद 7.25। अंडरस्टैंड? तो ये आपका पैसे से आप रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, हम ये देखेंगे। ओके, सो कन्वर्जन में पता चल गया कि हम रुपीज से पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पैसे से रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और एडिशन आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए अगर 2 रुपीज दिए हुए, इस हाथ में 2 रुपीज है और इस हाथ में 5 रुपीज है, ठीक है, तो 5 और 2 कितने हुए, 7 हुए। उसके बाद अगर आपको वो दिया जाए 7 रुपीज में आपको 25 पैसे और ऐड करने हैं, तो क्या लिखोगे आप, 7 रुपीज 25 पैसे, क्योंकि रुपीज को रुपीज के साथ लिखते हैं और पैसे को पैसे के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे रुपीज तो जो थे वो 7 थे लेकिन पैसे कितने थे, 25 थे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 रुपीज 25 पैसे। ऐड हम ऐसे करते हैं, रुपीज को रुपीज के साथ, पैसे को पैसे के साथ। अंडरस्टैंड? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स डू एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। एक पॉइंट और था, इफ द अमाउंट इज इन रुपीज एंड पैसे विद अ डॉट, अगर जो है अमाउंट, मान लीजिए अगर कोई अमाउंट आपको दिया गया है वो रुपीज और पैसे में डॉट के साथ, ठीक है, जैसे यहां और उसको आपको पैसे में चेंज करना है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये, वैसे आपको फिर से बता दे रही हूँ कि अमाउंट अगर है कोई और वो डॉट के साथ है और उसको आपको पैसे में चेंज करना है, ठीक है। नॉर्मली अमाउंट आपको सिंपल दे दिया जाता है 5 रुपीज 10 रुपीज 50 रुपीज 100 रुपीज, लेकिन अगर डॉट के साथ है रुपीज में और उसको आपको पैसे में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, आपको रुपीज हटा देना है, ये डॉट हटा देना है, याद रखिएगा, रुपीज हटा देना है, डॉट हटा देना है और 365 पैसे, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी आपको कोई अमाउंट डॉट में दिया गया हो, ठीक है, और अगर आपको उसको चेंज करना हो पैसे में, ठीक है, रुपीज है डॉट में दिया हुआ है और अगर उसको पैसे में चेंज करना हो, तो आप रुपीज सिंबल हटा दो और वो जो डॉट दिया गया है वो हटा दो, जो अमाउंट है उसको लिख दो और पैसे लिख दो। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 10.1। In exercise 10.1, the first question is convert the given money to पैसे, हमें मनी को पैसे में चेंज करना है। So 8 rupees, the first one is 8 rupees। अभी मैंने बताया कि 1 rupee is equals to 100 paise। 1 rupee में कितने पैसे होते हैं, 100 paise होते हैं, तो 8 rupees में कितने होंगे, मैंने बताया था ना आपको जो दिया रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। पैसे में आपको 100 है, 100 मल्टीप्लाई बाय 8, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वही आपका पैसे के फॉर्म में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? 1 rupees इज इक्वल्स टू 100 paise हो गया, तो 8 rupees में क्या होंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 800 paise। अंडरस्टैंड? नाउ ऐसे ही बी वाला है, 13 को आपको चेंज करना है, तो सेम
से जब ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा 775 पैसे। समझ में आया? एक बार और समझाती हूँ, ये है 7 रुपीज 75 पैसे। क्या है? 7 रुपीज 75 पैसे। आपको पहले रुपीज को चेंज करना है, पैसा तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है और हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। पैसा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम बस लास्ट में ऐड करेंगे, अभी आपको सिर्फ रुपीज चेंज करना है। तो 7 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 1 रुपीज के अगर 100 पैसे होते हैं तो 7 रुपीज में 7 × 100 = 700। नाउ 700 + 75 क्योंकि पैसा है, पैसे में ऑलरेडी हमें कन्वर्ट करना है और पैसा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 700 + 75 = 775। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको सेम बाकी सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द मनी इन पैसे टू रुपीज। अभी तक हम रुपीज से पैसे में चेंज कर रहे थे, अब हमें पैसे से रुपीज में चेंज करना था। बहुत ईजी था, आपको पता ही है। पैसे से रुपीज में हम चेंज करेंगे कैसे? द ए वन इज 315 पैसे दिया हुआ है पैसे में ऑलरेडी, आपको रुपीज में चेंज करना है। मैंने क्या बताया था? रुपीज में चेंज करने के लिए राइट साइड से हम 2 डिजिट आगे आएंगे और वहां डॉट लगा देंगे। तो राइट साइड से हम आएंगे 1 2 2 डिजिट आए आगे, रुपीज पहले लिखेंगे और उसके बाद 2 डिजिट जब यहाँ आएंगे तो 3 के बाद लगेगा पॉइंट, 3.15। इसका मतलब रुपीज 3.15। अंडरस्टैंड? ऐसे ही हमें चेंज करना है। नाउ बी वन इज 1340 पैसे, 1340 2 डिजिट हम आएंगे राइट साइड से 1 2 यानी कि 3 के बाद लगेगा, पहले हम रुपीज का साइन लगाएंगे 30.40। ओके, नाउ द एच वन इज लास्ट वन इज 5530 पैसे, सेम 2 डिजिट के बाद आएंगे, 5 के बाद डॉट लगेगा, रुपीज 5530। जो भी जिसमें भी हमें चेंज करना हो हमें उसका सिंबल लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिंबल नहीं लगाएंगे तो वो उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। अगर हमें रुपीज में इसको चेंज करना है तो हमें रुपीज का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। अगर हमें पैसे में चेंज करना है तो पैसे का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। समझ में आया? जिसमें भी आपको चेंज करना है आपको उसका सिंबल लगाना है, दिस इज कंपल्सरी। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मच मनी शोन बाय द नोट्स एंड कॉइंस, पुट अ टिक फॉर द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि ये जो नोट्स और कॉइंस दिए हुए हैं इसको आपको ऐड करना है और जो आंसर सही है उसके आगे टिक लगाना है। तो आप देख सकते हो ए वाले में पहला क्या है, 2 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, 10 रुपीज है। तो 2 रुपीज और 10 रुपीज कितने हो गए, 12 रुपीज। और ये क्या है, जो कॉइंस हैं ये पैसे हैं, तो 25 और 25 कितने पैसे हो गए, 25 25 50 पैसे हो गए। पहले थे 2 और 10, 12 रुपीज थे और 50 पैसे हो गए, यानी कि 12.50 पैसे। क्या है आंसर? 12.50 पैसे, यही हमारा आंसर है। तो कौन सा वाला है? सेकेंड है, सेकेंड पे आप लिख लेंगे। अंडरस्टैंड? ऐसे बी वाला है 5 रुपीज, 20 रुपीज और 2 रुपीज, इन सबको पहले ऐड कीजिए। तो 20 और 5 रुपीज 25 रुपीज हुए और उसमें 2 रुपीज और ऐड कर लीजिए, 27 रुपीज हो गए। 27 रुपीज और कॉइन्स के पैसे कितने हैं, 25। तो 27 रुपीज 25 पैसे, 27 रुपीज 25 पैसे कहाँ पे है, लास्ट वन, उसको टिक कीजिए। सेम ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डू यू हैव इनफ मनी टू बाय द मेंशन आइटम्स विद द गिवन नोट्स एंड पॉइंट्स, टिक द करेक्ट आंसर। आपके पास क्या पूछा है कि क्या आपके पास ये जो मनी दिए हुए हैं ये सफिशिएंट है कि आप ये खरीद सके, जो भी पूछा है खरीदने के लिए। पहला वाला क्या है, अ पेन कॉस्टिंग ₹7.25। एक पेन की जो कॉस्ट है वो 7 रुपीज है, 7 रुपीज और 25 पैसे एक पेन की कॉस्ट। तो यहाँ पे पैसे कितने दिए हुए हैं, 5 रुपीज और 1 रुपीज, 6 रुपीज टोटल हुए और पैसे कितने हैं, 50, यानी कि 6 रुपीज 50 पैसे हुए। क्या हुए, 6 रुपीज 50 पैसे, लेकिन हमें पेन की कॉस्ट जो है दी गई है वो 7 रुपीज 25 पैसे है। तो जब हमारे पास 6 रुपीज 50 पैसे ही हैं तो हम 7 रुपीज 25 पैसे का पेन कैसे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते ना। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे नो पे टिक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम पैसे हैं, 6 रुपीज
इसका पैकेज जो है वो 14 रुपीज 75 पैसे का है। अब यहाँ पे देखिए 14 रुपीज 75 पैसे है आपके पास, पहले है 10 रुपीज, फिर 2 रुपीज, फिर 2 रुपीज। तो 10 रुपीज में हम 2 रुपीज ऐड करेंगे तो 12 रुपीज, 12 रुपीज में 2 रुपीज ऐड करेंगे तो 14 रुपीज, 14 रुपीज और ये क्या हो जाएंगे 50 पैसे और 25 पैसे, 75 पैसे हो गए। 50 और 25 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 75 आएगा। तो 14 रुपीज 75 पैसे यानी कि हमारे पास मनी है उतने कि हम बिस्किट का पैकेट खरीद सकें क्योंकि उसकी कॉस्ट भी 14 रुपीज 75 पैसे। तो हम यहाँ पे यस करेंगे बता देंगे, अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही आपको ये सी डी ई और एड भी करने हैं अपने मन से, ये आप कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड।